हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो है ट्वेल्थ बायो के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्तनधारी का अंडा, दूसरी बात करेंगे शुक्रजनन और अंडजनन के बीच क्या समानताएँ हैं, और तीसरी बात करेंगे शुक्रजनन और अंडजनन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। तो इन तीनों हेडिंग्स को आज के इस वीडियो में हम शूट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्तनधारी का अंडा। स्तनधारी का अंडा यानी जो मैमेलिया प्राणी है, या मानव की बात करें स्पेशली, मानव में जो अंडा या अंडाणु बनता है वो कैसा होता है, उसमें पीतक की मात्रा कितनी होती है और उस पर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं। तो हमने इससे पहले यानी कि पिछले लेक्चर में देखा है कि अंडजनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? तो अंडाशय में। कहाँ पर होता है? अंडाशय में। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किस क्रिया के द्वारा? ऊजेनेसिस यानी कि अंडजनन की क्रिया के द्वारा। तो अंडजनन की क्रिया द्वारा जो अंडा बनता है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कितना उसका आकार होता है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं? तो सबसे पहले मैं आवरण की बात करूं तो आवरण मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताए हैं कौन कौन से होते हैं। दो आवरण होते हैं, एक होता है जोना पेलिसुडा और एक होता है सबसे बाहर की ओर जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जोना पेलिसुडा जो कि एक कोशिकीय और अंदर की ओर स्थित आवरण है, जबकि कोरोना रेडिएटा बाहरी और फॉलिकल कोशिकाओं से बना हुआ आवरण है। तो हम स्तनधारी के अंडे में सबसे पहले लिखते हैं कि स्तनधारियों के अंडे अपीतकी और समपीतकी होते हैं। स्तनधारियों के अंडे अपीतकी एवं समपीतकी होते हैं। दो शब्द यहां पर गौर करने वाले हैं, अपीतकी समपीतकी। यानी कि जो स्तनधारी प्राणी हैं उनके अंडे दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वैसे तो अंडे चार प्रकार के होते हैं, लेकिन समस्त अंडे की बात कर रहा हूँ चार प्रकार के, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि केवल किसी स्तनधारियों की। तो स्तनधारियों के जो अंडे होंगे, अंडाणु होंगे, वो अपीतकी यानी कि उनमें पीतक की मात्रा या तो नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, तो उसको कहेंगे हम ना के बराबर अगर कंडीशन में पीतक है अंडे में तो उसको कहेंगे अपीतकी। दूसरा है शब्द यहाँ पर समपीतकी, यानी कि उस अंडे में, पूरे अंडे में समान मात्रा में पीतक फैला हुआ होगा। जैसे कि ये मान लीजिए कोई अंडा है तो इसमें मात्र इतना सा मान लो क्या है, पीतक है, तो इसको हम ना के बराबर पीतक मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अपीतकी। या तो ना के बराबर या फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो एक प्रकार का अंडा ये है स्तनधारियों का, तो इसको कहेंगे बेटा अपीतकी। दूसरा है समपीतकी, इसमें क्या होगा, पूरी जो अंडा है पूरा, उस पूरे अंडे में लगभग समान मात्रा में क्या फैला होगा, पीतक फैला होगा, तो इसको कहेंगे समपीतकी। तो स्तनधारियों के अंडे अपीतकी एवं समपीतकी होते हैं। कैसे होते हैं? अपीतकी या समपीतकी या एवं समपीतकी। अगला स्टार, इनका व्यास की अगर बात करें, आकार की अगर बात करें, तो वो होता है 100 से 150 माइक्रोमीटर। इनका व्यास कितना होता है? 100 से 150 माइक्रोमीटर व्यास वाले। इनका डायामीटर कितना होता है? 100 से 150 माइक्रोमीटर। इसके बाद बात करें कि अंडाणु भर या अंडे भर। अब देखो, अंडे को कवच के आधार पर वैसे दो प्रकार का बांटा गया है, दो प्रकार का बताया गया, कौन से? क्लीडोइक एंड नॉन क्लीडोइक अंडे। पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करनी है। यहां पर मानव के अंडे की बात करेंगे, मादा के अंडे की बात करेंगे। क्या लिख दें? मानव अंडाणु या अंडे भर दो आवरण पाए जाते हैं। दो आवरण पाए जाते हैं, कौन कौन से दो आवरण हैं? पहला है हमारे पास जोना पेलिसुडा। पहला आवरण क्या है? जोना पेलिसुडा। यह बिल्कुल जो सेकेंडरी ओसाइट होगा, भाई अंडाणु है, अंडाणु या कह दो सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट को हम किसके रूप में समझते हैं? अंडाणु के रूप में। तो जो जोना पेलिसुडा जो आवरण है वो अंडाणु के सबसे पास में स्थित होता है या अंडाणु से चिपका हुआ
तो इसमें क्या लिखेंगे, यह अंडाणु का आंतरिक एवं अकोशिकीय आवरण है, आंतरिक है और अकोशिकीय। और दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरा आवरण क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो यह अंडाणु का बाहरी आवरण है, यह अंडाणु का बाहरी आवरण है, मतलब अंडाणु पर सबसे बाहर जो आवरण होगा वो कौन होगा, कोरोना रेडिएटा। यह अंडाणु का बाहरी आवरण है जो फॉलिकल सेल्स से, फॉलिकल सेल्स से बना होता है। और अगर इसके हम चित्र की बात करें तो कल भी बनाया था हमने, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, अंडाणु है। तो यहां पर जो आवरण होगा, पहला आवरण इस आवरण को हम डार्क कर देते हैं। तो ये जो अंडाणु के टच में है, इस आवरण को नाम दिया जाता है जोना पेल्यूशन है। ये तो कौन सा आवरण है, जोना पेल्यूसिडा। जबकि जो सेकंड आवरण है इसके बाहर की ओर, जो कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कौन सी कोशिकाएं, फॉलिकल सेल्स। ये जो आवरण है आपको ये चित्र भी बनाना है साथ में, ये जो आवरण है, जो कि वैसे तो बहुस्तरीय आवरण है, ये यानी कि इस पर बहुत सारी लेयर हो सकती हैं, एक नहीं होगी, दो या तीन लेयर मुख्यतः इस पर पाई जाती है। तो ये मैंने बना दिए हैं दो लेयर। तो ये संरचना बनी है किसकी, अंडाणु की। अब वास्तव में यहां पर क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है, क्या है यहां पर, सेकेंडरी ओसाइट होगा और इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो चुका होता है। क्या हो जाता है, तर्कु तंतुओं का, और यहां पर कौन होते हैं बेटा, यहां पर ऐसे गुणसूत्र स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, यह है मानव अंडाणु की संरचना। तो बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोरोना रेडिएटा, जबकि आंतरिक आवरण जो कि अंडाणु के टच में होता है, संपर्क में होता है, उसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी आज की, स्तनधारी का अंडा, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आज की दूसरी हेडिंग पर चलते हैं। हो गया, चलिए अब हम दूसरी हेडिंग क्या है आज हमारी, दूसरी हेडिंग है अंडजनन और शुक्रजनन में समानताएं। समानताएं किस किस के बीच, शुक्रजनन और अंडजनन के बीच। सबसे पहली बात कि जो दोनों ही क्रियाएं हैं वो जनादों में संपन्न होती है, गोनेट्स में संपन्न होती है। कहां पर, गोनेट्स में। दोनों क्रियाएं जनादों में स्थित आद्य जनन उपकला द्वारा होती हैं। दोनों क्रियाएं यानी कि शुक्रजनन और अंडजनन की दोनों क्रियाएं हैं जो हैं जनद यानी कि गोनेट्स यानी कि नर में प्रसरण और मादा में अंडाशय स्थित आद्य जनन उपकला द्वारा होती हैं। दोनों की बात करें तो दोनों में बेटा हमने तीन तीन प्रावस्थाएं देखी, कौन कौन सी, सबसे पहले गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि, फिर परिपक्व बन। तो दोनों क्रियाओं में या दोनों में तीन प्रावस्थाएं होती हैं, दोनों में तीन प्रावस्थाएं होती हैं। इसके बाद करें बात, तो हमने पहली प्रावस्था देखी थी गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था में दोनों क्रियाओं में क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन। तो क्या लिखेंगे, दोनों की गुणन प्रावस्था में, दोनों की गुणन प्रावस्था में माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, तो आंसर होगा समसूत्री विभाजन। इसके बाद बात करते हैं हम, तो जो परिपक्वन विभाजन था
उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ था दोनों में। तो अगला, दोनों की परिपक्वन प्रावस्था में, दोनों की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है अर्धसूत्री। पांचवी समानता लें, तो दोनों ही क्रियाओं में बेटा जो युग्मक बन रहे हैं, यानी कि नर युग्मक तो वृषण में बन रहे हैं और मादा युग्मक अंडाशय में बन रहे हैं, और दोनों ही युग्मक जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों क्रियाओं में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ये दोनों क्रियाएं हैं कौन कौन सी, शुक्रजनन और अंडजनन, दोनों क्रियाओं में किसका निर्माण होगा, अगुणित युग्मक, यानी कि उनमें अपनी जो मात्र कोशिका है अर्धजनन उपकला की जो कोशिकाएं हैं उनमें दुगुणित या द्विगुणित कोशिकाएं हैं, वो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होनी चाहिए यानी कि 46 वो होते हैं, जबकि जो युग्मक हैं उनमें 46 का आधा यानी कि 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें, शुक्राणु और अंडाणु में। तो ये तो है बेटा कुछ समानताएं किसके बीच, शुक्रजनन और अंडजनन के बीच। अब हम आज की तीसरी और लास्ट हेडिंग लेंगे इस वीडियो की, क्या है, शुक्रजनन और अंडजनन के बीच अंतर। इसका हटा देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच क्या अंतर हैं, तो हेडिंग लगाएंगे या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यहां पर लेंगे हम शुक्रजनन, आप हेडिंग डालें शुक्रजनन और अंडजनन के मध्य अंतर, और इधर डालेंगे हम अंडजनन, यानी कि पेज को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इधर बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर बात करेंगे हम ऊजेनेसिस। तो मार्कर में इंक लगभग समाप्ति की ओर है, तो पहले मैं इंक डाल लेता हूं फिर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, शुक्रजनन और अंडजनन की। तो देखिए क्या देखना है, अंतर देखना है। यह क्रिया नर में होती है, यह क्रिया मादा में होती है। यह क्रिया नर के वृषण में होती है जबकि यह क्रिया मादा के अंडाशय में होती है। अंतर की बात कर रहे हैं, इसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडजनन की क्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर यह नहीं कि यहां भी तीन प्रावस्थाएं, यहां भी तीन प्रावस्थाएं, बट क्या हो जाएंगी, समानता हो जाएंगी। तो हम लिखते चलते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले बात करेंगे हम कि शुक्रजनन की क्रिया नर में होती है जबकि अंडजनन की क्रिया मादा में होती है। यह क्रिया नर में होती है और इसमें क्या लिख देंगे, मादा में। दूसरा अंतर, यह क्रिया नर के वृषण में होती है, कहां होती है, नर के वृषण में, जबकि ये कहां होती है, तो मादा के अंडाशय में। कहां होती है, मादा के अंडाशय में होती है। कहां पर होगी, तो शुक्रजनन की क्रिया तो नर के वृषण में होगी जबकि जो अंडजनन की क्रिया है वो मादा के वृषण में, सॉरी अंडाशय में होती है। इसमें अर्धजनन कोशिकाएं क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। तो तीसरा अंतर लिखेंगे, अर्धजनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं, किसका, स्पर्मेटोगोनिया। जबकि अगर बात करें अंडजनन की क्रिया में, तो यहां पर अर्धजनन कोशिकाएं जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया की जगह ऊगोनिया का निर्माण करती है, किसका। तो क्या लिखेंगे, अर्धजनन कोशिकाएं किसका, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर ऊगोनिया, ऊगोनिया का निर्माण करती है। क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया एंड ऊगोनिया। फिर तीसरा जो डिफरेंस है, चौथा, तो सभी जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, सभी जो स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजनन की क्रिया में बनती है वो सभी क्या बनाती हैं, शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करती हैं पहले, जबकि जो ऊगोनिया हैं वो सभी ओवम का निर्माण नहीं करती,
यहाँ पर कुछ तो फॉलिकल सेल्स के रूप में काम करते हैं। तो चौथा अंतर क्या लिखेंगे हम, चौथा लिखेंगे कि सभी स्पर्मेटोगोनिया, सभी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण करती हैं। जितने भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे वो सब शुक्राणु में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो उगोनिया बनती हैं उनमें से हमने देखा कि मिलियंस की संख्या में उगोनिया होती हैं, लेकिन जब बालिका क्या अपना यौवनारंभ प्रारंभ करती है या यौवनारंभ तक पहुँचती है तो उसके प्रत्येक अंडाशय में केवल मिलियन की जगह 60 से 80 हज़ार उगोनिया शेष रह जाती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौथा अंतर, यहाँ पर लिखा स्पर्म बनाती हैं लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, सभी उगोनिया ओवम अंडाणु का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सभी जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो तो स्पर्म का निर्माण करेंगी, लेकिन अंडजनन की क्रिया में सभी जो उगोनिया बनेंगी वो किसका निर्माण नहीं करेंगी, ओवम या ऊटिड का निर्माण नहीं करेंगी। पांचवें अंतर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वृद्धि प्रावस्था है वो थोड़ी सी छोटी होती है, इसकी यानी कि शुक्रजनन की क्रिया की वृद्धि प्रावस्था थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन जो अंडजनन की क्रिया है ऊजेनेसिस में जो वृद्धि प्रावस्था होगी वो इसकी लंबी होती है। तो क्या लिखेंगे हम पांचवा अंतर, इसकी वृद्धि प्रावस्था इसकी वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, इसकी वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इसकी वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है। और अंडज प्राणियों में तो हमने लिखा था उसको दो भागों में बांटा गया था, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। तो पांचवा अंतर लिखेंगे, वृद्धि प्रावस्था लंबी या बड़ी होती है, क्या होती है, लंबी या बड़ी होती है, और किस क्या लिखेंगे, अंडज में या अंडज प्राणियों में, अंडज प्राणियों में इसे प्री विटेलो जेनेसिस, प्री विटेलो जेनेसिस एवं विटेलो जेनेसिस दो भागों में बांटा जाता है। क्या है प्री विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस अगले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने बात की है। यहाँ पर तो पितक निर्माण की क्रिया के लिए जो भी चीज़ें बननी हैं होनी चाहिए उन सबका निर्माण या संश्लेषण होता है, जैसे कि आरएनए चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सारी चीज़ों का संश्लेषण कहाँ होगा, प्री विटेलोजेनेसिस की क्रिया में। और विटेलोजेनेसिस की क्रिया में इन पदार्थों का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है, पितक का निर्माण, योग का निर्माण किया जाता है। इसके बाद छठा अंतर हम लेते हैं कि यहाँ पर जो परिपक्वन विभाजन होता है इसमें शुक्रजनन में उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो परिपक्वन विभाजन है यहाँ पर क्या होगा कि जो अपने पास कोशिका बनती है उसमें कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है लेकिन बराबर मात्रा में डिवाइड होगा। और यहाँ पर हमने देखा था कि अंडजनन की क्रिया में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो असमान मात्रा में होता है, यानी कि एक तो बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। अब पहला विभाजन है तो यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट बनता है, क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट में फिर विभाजन होता है तो क्या बनता है, ऊटिड। साथ में दो छोटी कोशिकाएं कौन बनती हैं, पॉलर बॉडी बनती हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन समान मात्रा में होता है। और तो इसको लिखते हैं हम, तो छठा अंतर क्या हो जाएगा, परिपक्वन विभाजन में परिपक्वन विभाजन है इसके बात कर रहे हैं, शुक्रजनन केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन, केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन समान मात्रा में होता है, क्या होता है, समान मात्रा में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि यहां पर क्या लिखेंगे, असमान मात्रा में, असमान मात्रा में,
यानी कि जो बड़ी कोशिका है उसमें अधिक कोशिका द्रव्य होगा, और जो छोटी कोशिका है उसमें कम कोशिका द्रव्य होगा। और यहाँ पर अब दो विभाजन होंगे, वो तो बाद की बात है, तभी तो दूसरा विभाजन में तो ऊटेड बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, पोलर बॉडी। इसी प्रकार से हम सातवां जो अंतर लेंगे वो लेंगे कि यहाँ पर पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जो कि शुक्राणु में बनते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अंडाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो अभी दिक्कत नहीं है। इस अंतर को डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, अब एक स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु? चार शुक्राणु बनते हैं। ये एक बहुत बढ़िया और शानदार अंतर है, एक स्पर्मेटोगोनिया से चार शुक्राणु बनते हैं, जबकि यहाँ पर तीन तो क्या बनती हैं, पोलर बॉडी बनती है, जबकि अंडाणु केवल एक बनता है। तो सातवां अंतर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ, एक उगोनिया से केवल एक ओवम का निर्माण होता है। तो एक ये बढ़िया एग्जाम्पल है दोनों के बीच अंतर का, केवल एक ओवम, चार स्पर्म, एक स्पर्मेटोगोनिया से चार शुक्राणु बनते हैं और एक उगोनिया से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। ये तो हो गए हमारे पास साथ, अभी कुछ और लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कितने अंतर हो गए? सात। अगला अंतर ले लेते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है, जबकि अंडाणु गतिशील नहीं होता है, यानी कि गतिहीन होता है। आठवां अंतर क्या लेंगे? शुक्राणु गतिशील संरचना है, शुक्राणु गतिशील संरचना है और लंबे भी होते हैं, ऐसे लिख दें, गतिशील एवं लंबी, पूंछ युक्ति भी लिख सकते हैं, संरचना है। कैसी संरचना है? तो शुक्राणु गतिशील एवं लंबी संरचना है। ये कैसे होंगे? गोल व गतिहीन। कैसी संरचना है? गोल व गतिहीन। अगला नवा अंतर हम ले सकते हैं कि शुक्राणुओं पर आवरण नहीं पाया जाता है, जबकि अंडाणुओं पर दो आवरण पाए जाते हैं। देखा है हमने, इस पर यानी कि शुक्राणु पर आवरण नहीं होते, यहां पर आवरण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? कोरोना रेडिएट है सबसे बाहर, जोना पेडिक्स उसके अंदर। और यहां लास्ट अंतर की बात अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा कि शुक्र जनन की क्रिया जीवन पर्यंत चलती है, जीवन भर चलती है नर में, जबकि जो अंडजनन की क्रिया है जो मादा में होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यानी कि एक निश्चित उम्र पर 45 से 50 के बीच यहाँ पर अंडजनन की क्रिया को रोक दिया जाता है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है हिंदी में। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि यह एक निश्चित उम्र तक चलती है, यह चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये 10 हमने कुछ मुख्य अंतर देख लिए हैं दोनों के बीच, अंडजनन और शुक्रजनन के बीच। अगला वीडियो जो होगा वो रज चक्र या आर्तव चक्र और मध चक्र के ऊपर होगा, रज चक्र या आर्तव चक्र और मध चक्र, यानी कि ये दोनों क्या है? अंडाशय चक्र हैं, दोनों ही अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।